आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दरअसल सिद्धार्थ नगर में जिला मुख्यालय स्थित श्री सिद्धेश्वरी मंदिर हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन पीछे बीते कुछ सालों में इस मंदिर पर वर्चस्व को लेकर दो गुट आमने सामने। बुधवार को मंदिर के संचालक दुर्गेश मिश्रा ने मंदिर परिसर में छेड़छाड़, जूते चप्पल और मोबाइल चोरी का आरोप संत शिव प्रसाद पर लगाते हुए सदर थाने में तहरीर दी। दुर्गेश मिश्रा का कहना है कि मोबाइल चोरी करते हुए शिव प्रसाद को मंदिर में लगे सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है। दुर्गेश का कहना है कि सदर विधायक के भाई मंदिर पर काबिज होना चाहते हैं, इसीलिए दूसरे साधु संतों को डराते और धमकाते हैं और इस तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आरोप कुछ भी हो, शिकायत कुछ भी हो, लेकिन विधायक के भाई पर जूते चप्पल चोरी करने का इल्जाम लगा है। सिद्धार्थ नगर में मंदिर पर वर्चस्व की जंग है, लेकिन चोरी का आरोप विधायक के भाई पर। यहाँ जूता चप्पल रही बात चोरी की, तो यहाँ होता ही रहता है, ऐसा होता है। हम लोग स्वयं जब से अयोध्या से आए हैं बहुत पीड़ित हो गए हैं। हम लोग धर्मगुरु हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके रहते हुए हम लोग पीड़ित रहे हैं। हम लोग धर्माधिकारी हैं, बार बार प्रशासन का सहयोग करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, उसके बाद भी प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिलता है। यहाँ शिव प्रसाद त्यागी हैं जो मौके पर यहाँ के सदर विधायक हैं, जिसके दबाव में प्रशासन रहता है और प्रशासन का मुझे कभी मदद नहीं मिल पाता है। ये जो तथाकथित ये संचालक बन रहे हैं, ये स्वयं पत्नी वाले हैं और इनका कोई आधार उस मंदिर पर नहीं बन रहा है, क्योंकि ये निराधार इस तरह से आए दिन ब्लेम लगाते हैं। शिव प्रसाद त्यागी जी हमारे परिवार में हमारे भाई के रूप में पैदा हुए हैं, लेकिन वो संत हो गए हैं। सिद्धेश्वरी मंदिर है, वहाँ के संचालक द्वारा एक तहरीर सदर थाने पर दी गई है, इसमें उनके द्वारा मंदिर में ही रहने वाले श्री शिव प्रसाद पर आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा मोबाइल की चोरी की गई है और ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद होना उनके द्वारा बताया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, मंदिर पर वर्चस्व की जंग है, सच्चाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन शिकायत में जो आरोप है वो विधायक के भाई पर जूते और चप्पल चोरी कराने का। ऐसी नौबत आ गई कि विधायक के भाई जूता और चप्पल चोरी करा रहे हैं मंदिर से। आपको बता दें कि जिस तरह से वहां के जो संचालक हैं दुर्गेश मिश्रा, उन्होंने साफ ये कहा है कि यहाँ पे मंदिर को लेकर के जिस तरह से मैं क्या संचालक हूँ उसको लेकर के जो विधायक के भाई हैं त्यागी जी, वो अक्सर वहाँ अपने गांव वालों को ला करके और कुछ खुद भी यहाँ हमको प्रताड़ित करते हैं। कोई चीज चप्पल से लेकर एप्लीकेशन भी उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने दर्शाया हेलमेट, चप्पल और मोबाइल है। जैसा कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में बताया है कि उन्होंने सीसीटीवी का फुटेज एक पेश किया है, पुलिस को भी दिया है कि ये साफ देखा जा सकता है कि इसमें जो है जो विधायक के भाई हैं शिव प्रसाद त्यागी, वो उसमें महामंदिर में जाते हैं सोते हुए, उनका जो एक चिट है उसकी मोबाइल लेते हैं और चले आते हैं। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चूंकि यहाँ के सदर विधायक हैं इसलिए यहाँ का जो प्रशासन है वो मेरी नहीं सुनता है, हम बहुत परेशान हो गए हैं, वो काफी दुखी दिख रहे थे इससे कि मेरी कोई सुनवाई नहीं होती, मैं बार बार प्रशासन के पास जाता हूँ। बिल्कुल राशिद, यही मामला है कि लगातार शिकायत की जा रही है लेकिन प्रशासन संज्ञान में नहीं ले रहा, जिसके बाद इस तरह की तस्वीर भी सामने आ रही। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे बात करेंगे कोरोना के बढ़ते खतरे की। तो यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड